आज भी आपने गदर देखी है, गदर टू देख लिया आपने ना, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बाप बाप ही होते हैं। 20 साल बाद अभी आएंगे तो सिक्सर मार के जाएंगे। तो ये आप सबने नज़ारा देख लिया कि जब भी हमारा कमबैक होगा हम आपको तोड़ के नहीं फोड़ के जाएंगे जितने बच्चे घूम रहे हैं। बट वी अप्रिशिएट देयर वर्क कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो छाएँ यार, अपना नाम कमाए, अपनी तरक्की करें। बट वो ये ना सोचे कि वो बाप से ऊपर जाएंगे, कभी बच्चे बच्चे रहते हैं। और आज सनी देओल ने दिखा दिया कि 66 की एज में उन्होंने ऐसा सिक्सर मारा कि सबको दिखा दें बेटा तुम बच्चे रहोगे। सो हम अप्रिशिएट करते हैं न्यू कमर्स को। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके साथ खड़े होते हैं आप भी अपना वो एक टाइम मत भूलोगे, यार हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आपके साथ बैठेंगे। तो ये मैं सुमित को बोल रहा हूँ, सुमित के जरिए पूरी इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ। हम भूलने नहीं देखे थे। जी मैम, जरूर जरूर, तो इतने बड़े लेजेंड हैं सुलेल पाजी। तो बाकी आपने जो बोला कि रागियों के खानदान से मीका पाजी के जो डैड थे, जो पापा जी थे, वो बहुत बड़े कीर्तनी, बहुत बड़े हमारे मतलब सत्कारत जो कीर्तनी होते हैं जिनको एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब के राग जो है वो आते हैं। जैसे आसा दीवार हम सुनते हैं, आसा एक राग है ना बिला, हाँ जी आपको आपको तो मालूम ही है। तो वो मैं तो मीका को हमेशा बोलता रहता हूँ मुझे पापा जी की चीज़ें सुनाएं, क्योंकि ये इसने बचपन उनके साथ गुजारा है, उनकी शरण में रहा है। तो मैं हमेशा मीका से वो सीखता भी, वो वारें जो हैं, वो रीतें जो हैं, वो पड़तालें जो हैं, वो मीका को याद हैं, दलेर पाजी को भी याद हैं, सारे खानदान को इनको याद हैं। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करते रहें इस टाइप की चीज़ें। अच्छी देखो कल्चर सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो कोशिश तो करेंगे कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को मोड़ के लाएं।